12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। एंड यू मे बी थिंकिंग दैट बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, आई नो, अपोलॉजीज फॉर दैट, बट मेरे CUET एग्जाम्स वर गोइंग ऑन, दैट्स वाई इट्स बीन समवट लेट, बट डोंट वरी। एंड आज से हम आपका जो सिलेबस है फर्दर कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इसकी टाइम लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम 600 BCE से लेके 600 CE की बात करने वाले हैं। ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि अगले दो और चैप्टर के अंदर हम इसी टाइम फ्रेम के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, 600 BCE से लेके 600 CE के बारे में। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमने क्या देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि अप्रॉक्सीमेटली 1900 के आसपास हमारी जो है 1900 BCE के आसपास हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन एंड होने लग गई थी। एंड उसके बाद 600 BCE में ही नए टाउन्स, नए किंगडम्स डेवलप होने लगे थे। इतने लंबे टाइम फ्रेम के बीच क्या हुआ, 1900 BCE से लेके 600 BCE के बीच में क्या हुआ, टाउन्स वगैरह होते थे बट इस लेवल के नहीं होते थे। और इसके बारे में हमें इतना कुछ पता भी नहीं है, इतने का खास आर्टिफैक्ट्स भी नहीं है उस टाइम फ्रेम के। नाउ 600 BCE से 600 CE के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, नए किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू टाउन्स, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हम सोशल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स होते थे सोसाइटी में, किस तरीके से कौन कौन से रूल्स फॉलो करे जाते थे सोसाइटी के अंदर, क्या रेगुलेशंस होती थी, किन्होंने ये रेगुलेशंस बनाई, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। महाभारता को हम कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे। एंड चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिलोसफीज़ के बारे में, यानी किस टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन से न्यू स्कूल ऑफ थॉट आ रहे थे, जिसकी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो इन रिलीजन्स के बारे में, इन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हम आपके 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा था उस टाइम पे। देखो, मैंने क्या बताया कि 1900 BCE में हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई थी और हमारी ये जो टाउन्स वगैरह आए थे ये 600 BCE के आसपास आए थे। अब इतने लंबे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, इतने लंबे टाइम फ्रेम में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। 15,000 सालों के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए आफ्टर द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि क्या हुआ भाई, ऋग्वेदा कंपोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास जो लोग रहते थे उन्होंने ऋग्वेदा कंपोज करी। और क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स देखने को मिली थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। बहुत अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है अब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी। साथ ही साथ अब लोगों ने न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था, जैसे कि मेगालिथ्स। क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है ना, उन्हें मेगालिथ्स के मदद से डिस्पोज किया जाता है। मेगालिथ्स क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वर नोन एज मेगालिथ। एंड सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर ये मेगालिथ्स जो है वो देखे जाते थे। सो मेगालिथ्स वर फॉर्म्ड नाउ। एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, अब नए टाउन्स और किंगडम्स भी देखने को मिल रहे थे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डीपली अच्छे से समझने वाले हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर बुक इज प्रिंसेप एंड पियादासी। अब ये प्रिंसेप क्या है, पियादासी क्या है, तो चलिए समझते हैं। देखो, प्रिंसेप यानी कि जेम्स प्रिंसेप। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ये एक ऑफिसर थे मिंट के अंदर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट थी। मिंट क्या होती है, जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दो स्क्रिप्ट्स, ब्रह्मी और करोष्टी। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होती है, राइटिंग कैसे हम करते हैं, ठीक है। द वे ऑफ राइटिंग इज नोन एज स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में एंड इंग्लिश लिखी जाती है दूसरी स्क्रिप्ट में, तो इसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट बोल रही हूँ। तो जेम्स प्रिंसेप ने दो स्क्रिप्ट, ब्रह्मी और करोष्टी को जो है डेसिफर कर लिया था। अब ये दो वो स्क्रिप्ट हैं जो कि बहुत पहले वाली इंस्क्रिप्शंस में यूज होती थी। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हमें देखने को मिली हैं और जो कॉइन्स मिले हैं उनके अंदर इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, ब्रह्मी का और खरोष्टी का। अब जो भी हमें पहले की इंस्क्रिप्शंस मिली है ना, उनमें किंग को पियादासी बोला जा रहा है। पियादासी, पियादासी, पियादासी का क्या मतलब है, प्लेजेंट टू बी होल्ड। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर किंग को अशोका भी बोला जा रहा है। तो जब वी कैन से एपिग्राफिस ने जब इन दोनों को वी कैन से स्टडी करा, तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो वही किंग है ना, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मदद से उन्हें पता चला कि ये तो वही फेमस किंग है जो अशोका थे। और जब उन्होंने इन दोनों को कोरिलेट करके देखा, तो उन्हें पता चला
पियादासी अशोका के लिए ही यूज किया जा रहा है, यानी कि अशोका को ही पियादासी बोला जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। व्हाट इज पेलियोग्राफी? पेलियोग्राफी इज नोन एज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस तरीके से हम लिखते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ए को पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर बाद में ए को ऐसे भ की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाने लग गया। ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने गलत बनाया है। इसी को पैलीग्राफी कहते हैं, यानी कि स्टाइल ऑफ राइटिंग की हम कैसे लिखते हैं। पहले ए को ऐसे लिखा जाता था और फिर बाद में ए को ऐसे लिखा जाने लगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पैलियोग्राफी। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो हार्ड सर्फेसिस के ऊपर जो राइटिंग्स होती है ना, जैसे कि स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर, पोटरी के ऊपर, उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जो सबसे पहली इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी। कौन सी लैंग्वेज के अंदर? प्राकृत। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज है, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर प्राकृत लिखी जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्लियर स्टेट्स, द 16 महाजनपदास। अब ये महाजनपदास क्या होते थे, 16 कौन कौन से महाजनपदास हैं, इनके बारे में समझने से पहले ये समझते हैं कि क्यों 6th century BCE को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। देखो, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे नए नए स्टेट्स, सिटीज देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ यही वो टाइम था जब आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर कॉइनेज का भी डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, इस टाइम पे ही अलग अलग थॉट्स, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये अलग अलग डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स जो हैं, इसी टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, अराइज होना शुरू हुए थे। जनपदा क्या होता है? जनपदा रेफर्स टू द लैंड जहाँ पर जन यानी कि पीपल जो है सेटल होते हैं, या फिर सेट एट फुट, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग सेटल हो जाते हैं, उस एरिया को जनपदा कहते हैं, फिर जनपद बोलते हैं, इंग्लिश में ए लगा देते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट और जैनाटिक से हमें पता चला है कि लगभग 16 स्टेट्स थे जिन्हें महाजनपदास कहते थे। यानी कि बहुत बड़े बड़े जब हो जाते थे ना जनपदा, तो उन्हें महाजनपदा बोला जाता था। ठीक है, अब ये लिस्ट वेरी करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा कौन से थे? वाजी भी बोल सकते हैं, मेरी प्रोनंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट डोंट माइंड इट प्लीज। मगध, कौशाला, कुरु, पांचाला, गांधार और अवंती। ठीक है, सो दीज वर नोन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपदास थे, और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मगध, जो कि 4th century BCE के आसपास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा भी इनसे डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिली थी। अब देखो, ये जो महाजनपदास थे ना, इन्हें किंग्स रूल करते थे, लेकिन कुछ को ओलिगार्चीज जैसे कि गणास और शंघास ये रूल किया करती थी। अब ये ओलिगार्चीज क्या होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर एक पर्सन के पास नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के पास होती है। ग्रुप ऑफ मेन एक्सरसाइजेस पावर। ठीक है, तो उन्हीं को ओलिगार्चीज कहते हैं। अब गणास और शंघास भी कुछ ओलिगार्चीज ही है। ऐसा माना जाता है कि इन ओलिगार्चीज के अंदर पावर ये बहुत सारे पीपल जो हैं एक्सरसाइज करते हैं, और उन लोगों को कलेक्टिवली राजास कहा जाता है। ठीक है, महावीरा और बुद्धा, ये दो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। बुद्धा बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं, महावीरा जैनिज़्म से। तो ऐसा माना जाता है ये दोनों ही ऐसे ही गणास से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऐसे ही ओलिगार्चीज ऐसे ही महाजनपदा से बिलोंग करते थे जहाँ पर गणास जैसी ओलिगार्चीज रूल करती थी। तो कुछ इंस्टेंसेस में, जैसे कि वजी संघा की अगर हम बात करें, ये एक ओलिगार्ची थी, तो यहाँ पर राजाज जो है ना मिलकर बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर कलेक्टिवली कंट्रोल करते थे, जैसे कि लैंड के ऊपर। लेकिन इन महाजनपदास की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है, देर इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज। एंड कुछ ये ऐसे महाजनपदास जो हैं लगभग हजारों सालों तक जो हैं वो रहे हैं। थोड़ा सा इन महाजनपदास को समझते हैं। देखो, हर एक महाजनपदा का एक कैपिटल होता था, एक कैपिटल सिटी होती थी। ठीक है, वो कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होती थी। ठीक है, यानी कि किलाबंदी होती थी उसके अंदर, और इन फोर्टिफाइड सिटीज के अंदर जो है इंसिपेंट आर्मीज और ब्यूरोक्रेसीज मेंटेन करी जाती थी, और उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती थी। 6th century BCE से क्या होने लग गया, ब्राह्मण लोग जो हैं वो संस्कृत टेक्स्ट जिन्हें धर्मसूत्रास कहा जाता है, तो वो कंपोज करने लग गए थे। ठीक है, और अब ये धर्मसूत्रास क्या होते थे, इनके अंदर जो है नॉर्म्स यानी कि रूल्स लिखे जाते थे रूलर्स के लिए।
जो कि उन्हें परफॉर्म करने चाहिए। और रूलर्स ज़्यादातर क्षत्रियाज को ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई क्षत्रिय ही राजा बनेंगे या बन सकते हैं। अब रूलर्स को एडवाइस किया जाता था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करने हैं और ट्रिब्यूट कलेक्ट करना है कल्टीवेटर से, ट्रेडर से और आर्टिशन लोगों से, ठीक है। अब ये रूल्स कौन बनाते थे? ब्राह्मण बनाते थे, इसे आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि भाई ये धर्मसूत्रास क्या थे, इनके अंदर क्या लिखा जाता था। फर्स्ट अमंग द 16 मगध। अब ये जो 16 महाजनपदास थे, इनमें से सबसे पहला महाजनपदा जो था वो था मगध, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था, वो था मगध। 6th और 4th सेंचुरी BCE के बीच मगध जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा बन गया था। मॉडर्न हिस्ट्रीज से हमें पता चलता है कि मगध जो है ना, बहुत सारे रीजन्स के वजह से डेवलप हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ये मगध जो था ना, वो एक ऐसा रीज़न था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। तो ऐसे ही कुछ और रीजंस भी थे। सबसे पहला रीज़न क्या है कि मगध के अंदर जो एग्रीकल्चर था, दैट वाज वेरी प्रोडक्टिव वन। साथ ही साथ मगध के अंदर आयरन माइंस भी थे, यानी कि आज के टाइम पे झारखंड वाले रीजन के अंदर माइंस लोकेटेड है ना, तो वो एरिया मगध के अंदर आता था। तो वहाँ पर माइंस थी, आयरन माइंस, तो वहाँ से बहुत सारे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए जो है आयरन मिल जाता था, रिसोर्सेज अवेलेबल थे। यानी कि एलिफेंट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था वहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया लोकेटेड था। और आर्मी के लिए एलिफेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि इस रीजन के अंदर फॉरेस्ट अवेलेबल थे, तो आराम से एलिफेंट्स को कैप्चर करके ला सकते थे और आर्मी के अंदर यूज़ कर सकते थे। साथ ही साथ इस एरिया के अंदर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी लोकेटेड है, तो इनसे एक बहुत चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मिल जाता था, ठीक है। बहुत आराम से, कन्वीनियंटली वो कम्युनिकेट भी कर पाते थे दूसरे रीजन के साथ इन ट्रिब्यूटरीज और गंगा की मदद से। साथ ही साथ बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स के जो टेक्स्ट थे, उनसे हमें पता चला है कि मगध को उसकी पावर उसके इंडिविजुअल से भी मिलती थी। उन लोगों से भी मगध को पावर मिलती थी जो पॉलिसीज बनाते थे। कौन भाई? किंग्स। जो मगध के किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, तो ये कुछ बेस्ट नोन रूलर्स थे। और साथ ही साथ इनके मिनिस्टर्स भी बहुत अच्छे से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे विद इन द महाजनपदा, विद इन द मगध, ठीक है। मगध के अंदर बहुत अच्छे से पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो जाती थी, इम्प्लीमेंट हो जाती थी इन एम्बिशियस किंग्स और इनके मिनिस्टर्स के वजह से। सबसे पहले मगध का कैपिटल राजगह था। राजगह एक प्राकृत नेम है जो कि आज के टाइम पे राजगीर बिहार के अंदर लोकेटेड है। तो सबसे पहले ये मगध का कैपिटल था। अब जो पुराना कैपिटल था मगध का, यानी कि राजगह, इसका मतलब था हाउस ऑफ किंग, यानी कि राजा का घर। राजगह एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी और ये हिल्स के बीच लोकेटेड थी। बाद में 4th सेंचुरी BCE के अंदर जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया, जो आज के टाइम पे पटना है। और यहाँ पर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के लिए रूट्स लोकेटेड थे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजगीर की फोटो है, राजगह जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे, राजगीर बोलते हैं, पहले राजगह बोला जाता था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक एन अर्ली एम्पायर। अब हम एक एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब मगध जो है वो ऐसे ही ग्रो होता गया। मगध की ग्रोथ से क्या हुआ, एक नया एम्पायर देखने को मिला जिसे हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वो इस एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने 321 BCE के अंदर इस एम्पायर को फाउंड किया था और उन्होंने इस एम्पायर का कंट्रोल फिलहाल लिया था नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक। और उनके जो पोते थे अशोक, उन्होंने, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे इंडिया के, और उन्होंने कलिंगा को भी कंक्वायर कर दिया था, जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं कलिंगा की वॉर के बाद। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ये क्या है, सबसे पहले ये है लॉयन कैपिटल, ठीक है। तो ये भी अशोका का इंट्रोड्यूस किया हुआ ही है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेजेस एंड द स्क्रिप्ट। देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थी ना, वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी, जबकि नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट यानी कि मान लो ये सबकॉन्टिनेंट है, इसके इस वाले हिस्से में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस वाले हिस्से के अंदर जो है, जो इंस्क्रिप्शन थी वो अरेमिक और ग्रीक, इन भाषाओं में लिखी जाती थी। और ज़्यादातर जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस थी ना, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि दो स्क्रिप्ट थी, ब्रह्मी और खरोष्ठी, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वाली। तो जो वी कैन से प्राकृत जो इंस्क्रिप्शन थी, प्राकृत लैंग्वेज वाली इंस्क्रिप्शन थी,
वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। जबकि जो जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी ना, वो खरोष्ठी का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, अब रेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा जाता था जो अफगानिस्तान के अंदर इंस्क्रिप्शंस मिली है ना, वहां पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मौर्यास। अब हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करा है मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे कि आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, यानी कि जो कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं, तो इनका इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी वर्क्स भी देखने को मिले हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है? जो सेम टाइम से बिलोंग करते हैं, यानी कि उसी टाइम के कुछ वर्क्स देखने को मिले हैं, जैसे कि मेगस्थनीज का एक अकाउंट देखने को मिला। अब ये मेगस्थनीज कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर, और इनका जो ये अकाउंट था ये फ्रेगमेंट्स के अंदर सर्वाइव करता है, यानी कि टुकड़ों में मिला है। दूसरा सोर्स जो कि यूज़ किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसने कंपोज करा था? कौटिल्य ने, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे। इसके अलावा मौर्यास के बारे में हमें दूसरे सोर्सेज से भी पता चला है, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक लिटरेचर से, साथ ही साथ संस्कृत लिटरेरी वर्क से भी। तो ये अर्थशास्त्र की मैंने एक इमेज लगा दी, आप देख पा रहे होंगे, बट ये पुरानी वाली नहीं है। ठीक, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है, जैसे कि अशोका की इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर बहुत अच्छे से इंस्क्राइब करवा रखा है, और इसे सबसे वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है। अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने मैसेजेस एंग्रेव करवाए थे, इंस्क्राइब करवाए थे अपनी प्रजा के लिए, अपने ऑफिशियल्स के लिए, स्टोन सर्फेसेस पे, नेचुरल रॉक्स के ऊपर, ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिश्ड पिलर के ऊपर। कौन थे वो पहले राजा? अशोका। तो आपको ये याद रखना है। सो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़ते जाना है, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट कर लो, या फिर वी कैन से हाईलाइट कर लो अपनी बुक के अंदर। और ये जो नोट्स बना रखे हैं ये मैंने बिल्कुल बुक्स से उठाए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ बुक्स के अंदर आपको लाइन्स मिल जाएंगी। सो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। कुछ भी मैं छोड़ नहीं रही हूँ। और आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे इग्नाइटेड फ्यूचर पे, एंड वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। टोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में धम्मा के बारे में लिखवाया है। अब ये धम्मा क्या था समझते हैं। धम्मा का मतलब है कि एल्डर्स की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, ब्राह्मणास की तरफ जेनरोसिटी दिखाओ, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, यानी कि जो मॉन्क्स वगैरह हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार करो, स्लेव्स को, सर्वेंट्स को बहुत काइंडली ट्रीट करो, रिलीजन्स की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, सभी ट्रेडिशंस की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, ना सिर्फ अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन्स की तरफ, बल्कि सभी को इक्वली रिस्पेक्ट करो। और उन्होंने इन धम्मा वाले आइडियाज़ को स्प्रेड करवाने के लिए कुछ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट कर रखे थे, कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट कर रखे थे, जिन्हें धम्मा महामतास कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोनंसिएशन वेरी कर सकती है, प्लीज इग्नोर दैट, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब जो ये हमारा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स के अंदर डिवाइडेड था, और कैपिटल था हमारा पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र एक सेंटर था। साथ ही साथ कुछ और प्रोविंशियल सेंटर्स भी थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्ण नगरी। ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं ये अशोका की इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, ये सारे के सारे जगह, यानी कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक, सब जगह इंस्क्रिप्शन के अंदर, अशोका की इंस्क्रिप्शन के अंदर सेम मैसेज इंग्रेव था। अब ये जो रीजन्स थे ना एम्पायर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे, अलग अलग पॉपुलेशन रहती थी, अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे, अलग अलग ट्रेडिशन थे सब लोगों के, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी थी। साथ ही साथ इसके इस एरिया के अंदर जो वी कैन से टेरेन है वो भी बहुत ज़्यादा अलग था। कहीं पर बहुत ज़्यादा हिली टेरेन था, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर और उड़ीसा के कोस्ट को हम समझ सकते हैं, तो टेरेन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था इस रीजन के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि एम्पायर बहुत ज़्यादा डाइवर्स था।
ऐसा हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहा होगा कैपिटल के पास और साथ ही साथ इन प्रोविंशियल सेंटर्स के अराउंड। ये जो सेंटर्स थे ना, ये भी बहुत केयरफुली चूज करे गए थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, ये दोनों जो थे ना, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स के ऊपर लोकेटेड थे। जबकि स्वर्ण नगरी, जिसका मतलब है गोल्डन माउंटेन, ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर कर्नाटका के अंदर गोल्ड माइंस लोकेटेड है, गोल्ड माइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है गोल्ड का, तो इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज किया गया था। अब कम्युनिकेशन होती थी लैंड रूट से, साथ ही साथ रिवर एंड रूट से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी कम्युनिकेशन एम्पायर के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग अंदर बाहर होते रहते हैं, ट्रेड होता रहता है, तो कम्युनिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और लैंड और रिवर लाइन रूट्स दोनों से ही कम्युनिकेशन होती थी एम्पायर के अंदर। अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आर्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए। क्यों भाई, पूरी प्रोटेक्शन रखनी है प्रजा की, देन आराम से ये ट्रेड वगैरह होता रहे, इन चीज़ों के लिए भी आर्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। अब मेगस्थनीज, जो मैंने बताया था ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, तो उनके सोर्स से हमें पता चला, उनके अकाउंट से हमें पता चला है कि एक कमेटी होती थी जिसके अंदर 6 सब कमेटी होती थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करवाती थी। इनमें से एक कमेटी थी जो कि नेवी का ध्यान रखती थी, दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को मैनेज करती थी, तीसरी फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, चौथी हॉर्सेस के लिए, एंड फिफ्थ वन वॉज फॉर चैरियट्स, एंड सिक्स्थ वन वॉज फॉर एलिफेंट्स। जो सेकेंड सब कमेटी थी ना, वो क्या करती थी, वो बुलक कार्ट्स अरेंज करती थी इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए, फूड प्रोक्योर करती थी सोल्जर्स के लिए भी, और एनिमल्स के लिए फोडर प्रोक्योर करती थी, जो एनिमल्स का खाना होता है उसे फोडर कहते हैं, ठीक है। सर्वेंट्स और आर्टिशंस को रिक्रूट करती थी ताकि वो सोल्जर्स के ऊपर ध्यान रख सके, मतलब सोल्जर्स के लिए। अशोका ने इस एम्पायर को इकट्ठा रखने की कोशिश करी है अपने धम्मा को प्रोपोगेट करके, अपनी धम्मा की आइडियोलॉजी को। द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल, हमने क्या देखा है कि जो प्रिंसिपल्स थे धम्मा के, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे कि रिस्पेक्ट दिखाओ, जेनरॉसिटी दिखाओ, सभी ट्रेडिशंस रिलीजन्स को इक्वल मानो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे, और वर्चुअली ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी थे, यानी कि हर जगह इसे अप्लाई भी किया जाता था, क्योंकि हर जगह इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली अशोका की और हर जगह सेम ही मैसेज एंग्रेव्ड है धम्मा के बारे में। सो ये वही चीज़ है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि धम्मा की मदद से अशोका ने अपने एम्पायर को जोड़ के रखने की कोशिश करी है, और हमने क्या देखा है कि इसके जो रूल्स थे धम्मा के, वो बहुत सिंपल थे और हर जगह एप्लीकेबल थे, क्योंकि हर जगह जो इंस्क्रिप्शन मिली है सेम रूल्स वगैरह देखने को मिले, इसका मतलब शायद से ये अप्लाई भी होते होंगे उन रीजन्स के अंदर। उनके अकॉर्डिंगली वो ऐसा क्यों करते थे, धम्मा की आइडियोलॉजी क्यों थी, वो चाहते थे कि सभी लोग अच्छे से रहें, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरे लोगों को भी अच्छे से रहने दें, और इसी काम के लिए धम्मा को प्रोपगेट करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करे गए थे जिन्हें धम्मा महामतास कहा जाता था। सो ये अशोका के धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करते थे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट या फिर थ्रू आउट द एम्पायर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज दैट एम्पायर, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हिस्टोरियंस जब इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने लग गए थे 19th सेंचुरी के दौरान, तो उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ। इंडिया जो है उस टाइम पे कॉलोनियल रूल के अंडर था, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। अब बहुत सारे आर्कोलॉजिकल फाइंड्स मिल रहे थे मौर्य से रिलेटेड, जैसे कि उनकी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल रही थी, स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर आर्ट मानते थे हमारे हिस्टोरियंस, ठीक है। एम्पायर के बारे में हमें उनसे पता चल रहा था, तो दैट वॉज वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर आर्ट अबाउट द एम्पायर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। तो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी हमारे हिस्टोरियंस के लिए। साथ ही साथ जब अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली थी हिस्टोरियंस को, तो हिस्टोरियंस ने देखा कि वो जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, वो दूसरे रूलर्स से बहुत ज़्यादा अलग है। इससे क्या पता चल रहा था कि अशोका ना बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंडस्ट्रियस रूलर थे, वो बहुत हम्बल थे दूसरे रूलर्स के कंपैरिजन के अंदर, और उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस टाइटल्स मिले हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस टाइटल्स अडॉप्ट कर रखे थे। सो ये कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स, 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर
ने उन्हें एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह समझा, और मौर्यन एम्पायर जो था ना वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था, वो सिर्फ 150 साल तक ही लास्ट कर पाया था, और ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम एम्पायर्स की हिस्ट्री के स्पैन को देखें तो 150 साल कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो एम्पायर था ना, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट तक पे भी नहीं फैला हुआ था, यानी कि पूरा सब कॉन्टिनेंट इसने कवर नहीं किया था। बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जो इस एम्पायर के कंट्रोल में नहीं आते थे। साथ ही साथ जो फ्रंटियर्स थे ना, वहाँ पर भी इसका कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं देखा जा रहा था, यानी कि कंट्रोल जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ था, पॉलिटिकल सेंटर्स में, या फिर अगर हम बात करें कैपिटल में, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग था कंट्रोल, लेकिन थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट या फिर थ्रू आउट द एम्पायर की अगर हम बात करें, कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। सेकेंड सेंचुरी BC के आसपास नए चीफडम्स, किंगडम्स जो है एमर्ज होने लग गए थे दूसरे पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, खास करके साउथ वाले रीजन में, डेकल वाले रीजन के अंदर। अब अर्थशास्त्र, मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, भाई कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक है। अब कौटिल्य कौन थे, मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त की कोर्ट में, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के अंदर माइन्यूट डिटेल्स लिखी हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और साथ ही साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जो है अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब देखो, चीफ्स और किंग्स देखने को मिल रहे थे साउथ वाले रीजन के अंदर, अब नए नए किंगडम्स जो है वो डेकन वाले रीजन के अंदर और नीचे साउथ में देखने को मिल रहे थे, जिन्हें हम चीफडम्स कह सकते हैं। और वो जो चीफडम्स थे वो किनके थे, चोलास के, चेरास के, पांड्यास के, और वो तमिलकम रीजन में थे। तमिलकम एक नाम दे रखा है तमिल कंट्री को, यानी कि तमिल वाले रीजन को, जहाँ पर आज के टाइम का आंध्र प्रदेश, केरला और साथ ही साथ तमिलनाडु आता है। तो वो नीचे वाला जो रीजन था ना, जहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला आते हैं, तो इस वाले रीजन को जो है पहले तमिलकम बोला जाता था। और यहाँ पर जो चीफडम्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल थे और साथ ही साथ प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे वो। अब चीफ्स और चीफडम्स के बारे में देखते हैं, चीफ कौन होता था। चीफ एक पावरफुल मैन होता था जिसकी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हेरिडिटरी, ठीक है। यानी कि चीफ की पोजीशन हो सकता है कि आगे चल के चीफ का सन जो है वो चीफ बने, और ऐसा ज़रूरी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और चीफ बने, चीफ का सन ना बने, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती भी थी और नहीं भी होती थी। अब इन्हें सपोर्ट मिलता था किनफोक से, और ये बहुत सारे स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, वॉरफेयर के दौरान ये लीडरशिप परफॉर्म करते थे, और डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करते थे, नेगोशिएट करते थे। इन्हें गिफ्ट्स मिलते थे अपने सबॉर्डिनेट्स से, और उन गिफ्ट को ये बांट भी देते थे अपने सपोर्टर्स के बीच। अब ज़्यादातर चीफडम्स के अंदर जो है कोई रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी, या फिर कोई ऑफिशियल्स नहीं होते थे। अब हमें तमिलकम रीजन के बारे में बहुत सारे सोर्सेस से पता चला है, ठीक है। उनमें से एक है तमिल संगम टेक्स्ट। तमिल संगम टेक्स्ट के अंदर पोएम्स होती थी जो उन चीफ्स को डिस्क्राइब करती थी कि कैसे वो चीफ्स जो हैं वो प्रॉपर्टी को या फिर रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं और कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो हमें तमिल संगम टेक्स्ट से ही मिली है। बहुत सारे चीफ्स और किंग्स जैसे कि सातवाहनास, वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के ऊपर रूल करते थे। तो आ सकता है कि सातवाहनास कहाँ रूल करते थे, देखो जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर सातवाहनास रूल करते थे, और सेकेंड सेंचुरी BCE से सेकेंड सेंचुरी CE इस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया था। शकास की अगर हम बात करें, ये सेंट्रल एशियन ऑरिजिन वाले लोग थे, इन्होंने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश करे थे नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे, और ऐसा माना जाता है कि इन्हें इनके रेवेन्यूज मिलते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था तो वहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे ना, तो उनसे वो टैक्स के रूप में अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे। अब ग्रीक सोर्सेज से हमें पता चला है कि जो मॉडर्न रूलर होते थे ना, उनके पास लगभग 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी होती थी, फुट सोल्जर्स, और 30,000 कैवेलरी होती थी, 30,000 की कैवेलरी, घुड़सवार वगैरह, 9,000 एलिफेंट्स होते थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एग्जैगरेटेड है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता था, कम ही होता था। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक भी नहीं करा है, वीडियो को लाइक भी कर देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, सभी को हेल्प मिलनी चाहिए। एंड अगर आपको ये इतने अच्छे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर, मेरे चैनल के नाम पे ही है। वहाँ पर आपको नोट्स और अदर अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जो आपको पीछे से आ रही होगी,
प्लीज इग्नोर दैट एंड अच्छे से पढ़ाई करना. टिल देन पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.